नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम भारतीय राजव्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राजव्यवस्था विषय में हमने स्थानीय स्वशासन विषय को पढ़ना प्रारंभ किया है। हमने अपनी पिछली कक्षा में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा और स्थानीय स्वशासन का भारत में विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया इसके पहले वाले अंक में। आज हम लोग स्थानीय स्वशासन विषय के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन अर्थात भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो जो समितियों का गठन हुआ था उन समितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समितियों की अनुशंसाओं को भी पढ़ेंगे अगर वो अनुशंसाएं मानी गई होंगी। ये जो हमारा आज का विषय है ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षाओं में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम स्थानीय सुशासन विषय में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी वी के राव समिति, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति के बारे में बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न पूछता है कि पहले तो क्रॉनिकल वे में उसको सेट करने के लिए सही क्रम में सजाने के लिए देता है। समितियों के नाम आगे पीछे दे दिए जाएंगे, उसके बाद देगा कि पंचायती राज से जो जो समितियां संबंधित है उनको सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो हम ऐसे करेंगे। उसके बाद ये पूछता है कि कब गठन हुआ था, कब उन्होंने सिफारिश दी। ये भी प्रश्न बार बार खंड क सही मिलान के लिए आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किसकी सिफारिशों की अनुशंसा के आधार पर जो हमारी भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ये प्रावधान लागू किए गए अर्थात जोड़े गए और प्रावधानित किए गए। आज हम इन सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारत में जो पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ थी उसमें पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति थी जिसका गठन 1957 में किया गया था। बलवंत राय, देखिए अब कमेटी का नाम क्यों बलवंत राय रखा गया, क्यों अशोक मेहता रखा गया, क्यों जी वी के राव समिति रखा, क्यों लक्ष्मी मल, जो जो अध्यक्ष होते थे जो कमेटी के जो समितियां गठित की जाती थी उसके बाद जो अध्यक्ष होता था उसी अध्यक्ष के नाम पर इन कमेटियों का नाम रख दिया जाता था। तो आइए देखें, हमारी जो पहली समिति थी भारत में पंचायती राज से संबंधित वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। कब? 1957 में। ये कई बार पूछा है। बलवंत राय मेहता की समिति जो गठित की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन हेतु गठित की गई थी। हम जानते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में हो गया था। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या जिसके उद्देश्य को लेकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, क्या वो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मतलब किस स्तर का प्रयास कर रहे हैं या क्या उसमें कमियां हैं या कौन कौन सी चीज़ें उनको आगे बढ़ने से रोक रही है उस समिति की सिफारिशों को, तो इसके अध्ययन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपना सुझाव दिया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गठन कब हुआ था? 1957 में। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ये कहा कि जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना जाना चाहिए। जन भागीदारी मतलब जो हमारा स्थानीय स्वशासन हो, शासन हो, जो हमारा हमारी लोकल गवर्नमेंट हो उसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी आवश्यक है, इनके रिपोर्ट की पहली बिंदु थी। उसके बाद इनका दूसरा बिंदु था कि पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात की गई। जो हमारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है या भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा है वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं को स्वीकार करके वो व्यवस्था लागू की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा से तात्पर्य देखिए क्या है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ग्राम स्तर पर
ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। जो जिला परिषद हो उसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए? जिलाधिकारी होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में मेहता समिति की सिफारिशें मानी, ठीक है। ये 1957 नवंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद पंचायती राजों का जो ढांचा होना चाहिए त्रिस्तरीय होना चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद खंड स्तर पर पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक, ये होना चाहिए। उसके बाद ये समिति अपनी प्रस्तुत की। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने NDC ने 1958 में अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उस समय 1959 में भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से इस व्यवस्था को लागू किया, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। देश में प्रथम नागौर राजस्थान, ये बार बार प्रश्न पूछता है, कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद 11 अक्टूबर उसके दो दिन उसके नौ दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर आंध्र प्रदेश। कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बार व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो राजस्थान में, और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर जिले के सादनगर विकासखंड आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया। ये बात रही हमारी बलवंत राय मेहता समिति की। उसके बाद जो हमारी दूसरी समिति गठित की गई, इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, सरकार ने इनकी सिफारिशों को नहीं माना। लेकिन जो क्रमवार मिलाने को आता है उसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुआ था, उसके बाद जब हम भारत में जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने अशोक मेहता की अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति का गठन किया 1977 में, दिसंबर 1977 में, और इन्होंने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो अशोक मेहता समिति जो है दिसंबर 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इनकी रिपोर्ट जो थी वो लागू नहीं की गई, तो इसलिए इसको जानना जरूरी नहीं है। GVK राव समिति जी थे, ये उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। देखिए राजीव गांधी जी की सरकार में राजीव गांधी जो थे वो किसानों के हितैषी थे। उनका मानना था कि जो सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, सत्ता में जन सहभागिता सुनिश्चित हो, योजनाओं का विकेंद्रीकरण हो, राजस्व का विकेंद्रीकरण हो, चीज़ों जो चीज़ें हों वो सबके पास हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने दो बार दो समितियों का गठन किया। उनकी पहली 1985 में GVK राव समिति गठित की गई थी, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। जब हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो पांचवी और छठी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था और गरीबी उन्मूलन के तहत उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था, वो हमारे योजना में बात की गई थी। उसके बाद GVK राव समिति का गठन हुआ अशोक मेहता समिति के बाद राजीव गांधी की सरकार के समय 1985 में योजना आयोग द्वारा GVK राव समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष GVK राव थे। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है ऊपर से नीचे तक का, उसमें क्या ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलक जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है, ये लोग जो हमारा जो ढांचा है क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यानगत रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था। उसके बाद योजना के विकेंद्रीकरण की बात की गई। जितनी योजनाएं हैं उसका विकेंद्रीकरण हम जानते हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब सब चीज़ें परिधि से केंद्र के तरफ, और विकेंद्रीकरण मतलब चीज़ें केंद्र से परिधि की तरफ, वो क्या हो गया? विकेंद्रीकरण। तो जो हमारी ये राव समिति थी उसका उद्देश्य क्या था? विकेंद्रीकरण की बात की गई, योजनाओं का विकेंद्रीकरण हो।
उसके बाद हमारी जो चौथी समिति आई लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, 1986 में पंडित राजीव गांधी की सरकार थी और सिंधवी की अध्यक्षता में लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन किया गया था। ठीक, अब इस पर देखिए, ये इसका गठन का उद्देश्य क्या था, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर जोर देने हेतु, विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था थी उस पर जोर देने। देखिए 85 में जो राव समिति थी उसमें भी योजना के विकेंद्रीकरण की बात की गई। फिर एक वर्ष बाद जब राजीव गांधी की सरकार ने सिंधवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया तो उसमें भी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर जोर देने की बात की गई है। उस समय का परिदृश्य ऐसा था कि सभी चीज़ें केंद्रीकृत हो रही थी और केंद्रीकृत थी क्योंकि विविधताओं भरी उस समय की परिस्थितियाँ थी। तो उस परिस्थितियों से अब भारत उभर रहा था, इसलिए जो उस समय की सरकार थी वो व्यवस्थाओं के केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर जोर दिया। इसी के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए ये आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जनसहभागिता सुनिश्चित हो, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हो, अपनी समस्याओं का समाधान लोग खुद करें, इन कुछ लोगों के पास अपनी संवैधानिक शक्ति हो, इन इन चीज़ों को। तो जो सिंधवी समिति थी वो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर जोर देने हेतु इसका गठन किया गया था। प्रमुख सुझाव इस समिति के क्या थे, देखिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसका सुझाव बार बार पूछता है कि जो सिंधवी समिति थी उसका सुझाव क्या था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए संवैधानिक दर्जा। दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए, मतलब जैसे राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है या आपका राज्यसभा सांसद का चुनाव होता है, उसमें सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को घोषित करती है, उनके उन पार्टियों के सिंबल के तहत वो लोग चुनाव लड़ते हैं, वैसी व्यवस्था पंचायतों में न अपनाई जाए इसके लिए इन्होंने अपना सुझाव दिया था। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी का उम्मीदवार कोई होगा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा या जिला परिषद में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगा या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेगा या BDC का चुनाव लड़ेगा, ऐसा नहीं है, या कांग्रेस का या बसपा का या सपा का या आपका, किसी भी पार्टी का व्यक्ति चुनाव न लड़े, अर्थात दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायत, आप देखते होंगे न्याय पंचायतों का गठन अब भी है, गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना, राज्य के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जो चुनाव होते हैं पंचायतों के उसमें चुनाव कौन करवाता है, हमारा राज्य। ठीक है, तो राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। दूसरी चीज, योजनाओं का विकेंद्रीकरण हो इस पर बल दिया गया। अगली चीज कि जो मामले हो वो व्यक्ति खुद निपटाए, अपने मामले स्वयं और निपटा सके, ऐसी बात की गई थी, यही इसका मुख्य बिंदु था। उसके बाद क्रमवार अगर पूछेगा कि भारत में पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुख समितियाँ हैं उसको क्रमवार करिए, तो हमारी पहली समिति हो जाएगी बलवंत राय मेहता समिति 1957, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद GVK राव समिति 1985, उसके बाद एल सिंधवी समिति हो जाएगी 1986। जो एल सिंधवी समिति थी इन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आइए एक बार इसको सरसरी निगाह से देखते हैं। भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम के अध्ययन हेतु गठित की गई थी। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का प्रमुख बिंदु ये था कि पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में मेहता समिति की सिफारिशों को माना। 2 अक्टूबर 1959
राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 महबूबनगर जिले के सातनगर विकासखंड आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया। उसके बाद दूसरी समिति हुई अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद जी वी के राव समिति राजीव गांधी की सरकार के समय 1985 में योजना आयोग द्वारा जी वी के राव समिति राव की अध्यक्षता में किया गया। उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। योजना के विकेंद्रीकरण की बात कही गई। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा सिंधवी की अध्यक्षता में किया गया। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर जोर देने हेतु प्रमुख सुझाव इसके जो थे लक्ष्मीमल सिंधवी के, वो थे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाया जाए, गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आज के इस अंक में हमने भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट, अपने विचार, कक्षा कैसी होनी चाहिए, वो विचार हमारे कमेंट में कमेंट देकर आप भेज सकते हैं। आपके दिए गए सुझाव के अनुरूप हमारी टीम और हम मिलकर कक्षा को एक नई दिशा देंगे। आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।